नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने द्वीपवासियों से अपील की है कि वे सकारात्मक रुख अपनाते हुए विकास प्रक्रिया के साथ जुड़े। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। शिक्षा सचिव ने आत्महत्या की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के बारे में विद्यार्थियों से योगदान की अपील की है। मीटिंग रिट्रीट के साथ कल गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया और उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि स्कूलों में उचित सुविधाओं के साथ साफ सुथरे शौचालय होने चाहिए। समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसको अमली जमा पहनाने के लिए स्थानीय लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव जरूरी है। वे कल पोर्ट ब्लेयर में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित सम्मेलन के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह की युवा शक्ति विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकती है। उपराज्यपाल ने बताया कि प्रशासन ने भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व्यवस्था कायम करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बहुमुखी विकास के लिए द्वीपवासियों को उत्साह के साथ गतिविधियों में भागीदारी निभानी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने कहा कि द्वीप समूह की पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर्यटन का विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जाजरानी सेवा में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि द्वीप समूह के युवाओं को मुक्त व्यापार के लिए आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि द्वीप समूह में औद्योगिक विकास के लिए पहल करने वालों को प्रशासन हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इस मौके पर सांसद विष्णुपद रे ने अपने संबोधन में कहा कि द्वीप समूह में मौजूद राष्ट्रीय उद्यानों और जैव मंडल क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में भी पर्यटन को विकसित करने की दिशा में विचार करना उचित रहेगा। सांसद ने द्वीप समूह में विकास कार्यों के लिए किए जा रहे प्रयासों पर खुशी जाहिर की। पोर्ट ब्लेयर के सिंक्लेयर बेव्यू होटल के सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और विकास की संभावनाएं विषय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के आरंभ में भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्वी अंचल के अध्यक्ष वीरेश ओबराय ने अपने स्वागत संबोधन में सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। जोखिम और गुणवत्ता प्रबंधन निदेशक दीपांकर चक्रवर्ती ने विकास की संभावना पर वीडियो प्रस्तुतिकरण किया। मुख्य वक्ता के रूप में टाटा स्टील लिमिटेड के प्रबंध निदेशक टीबी नरेंद्र ने द्वीपों में विकास कार्यों के सामने मौजूद चुनौतियों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस अवसर पर सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। उधर हम्फ्रीगंज बलिदान वेदी पर आज सुबह 8 बजे कार्यक्रम रखा गया है।